हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बताएं। तो आज जो हम बात करने वाले कंपोजिट मैथमेटिक्स की बात करें, क्लास 7 की चैप्टर 14 तक ऑलरेडी अपलोड स्टूडेंट्स हो चुका है। चैप्टर 15 की हम बात करें, यूनिट आपकी 6 स्टेटिस्टिक्स और चैप्टर का नेम है आपका डेटा हैंडलिंग की हम लोग बात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी चैप्टर है आप लोगों का। और एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो चैप्टर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लास 11 तक काम आने वाला है। तो इसलिए 9, 10th में तो है ही, आप 7th में हैं, अब इसके बाद आप लोग 8th में जाएंगे, वहां भी आपको मिलेगा। 9, 10th में ऑलरेडी आपको मिलेगा, 11th में भी आपको कुछ पार्ट यहाँ के मिलेंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर का अपना स्टार्ट करते हैं। और चलिए, चैप्टर नंबर आप लोगों का 15 डेटा हैंडलिंग है। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, एक्सरसाइज की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कुछ आप लोग यहाँ पर डेफिनेशंस भी देख रहे होंगे, जैसे कि डेटा गिवन है, तो जो भी न्यूमेरिकल कलेक्शंस होते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, डेटा हो जाते हैं। ठीक है, जैसे डेटा आप समझेंगे 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया, डेटा हो गया। इसके बाद ऑब्जर्वेशन गिवन है, जो न्यूमेरिकल फिगर्स की सेट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, रेंज, रेंज का ध्यान रख लेंगे हमेशा, रेंज का एक फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम और मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स, जो मैक्सिमम होगा उसमें से मिनिमम माइनस करेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। आगे हम लोगों का है, फिर आप लोगों का टैली मार्क्स है, टैली मार्क्स जब क्वेश्चन आएंगे हम आपको ऑलरेडी जब समझा देंगे। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज पर चलने से पहले हमारा जो क्वेश्चन रहेगा मीन का रहेगा, तो मीन के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इसी के बाद ही आप लोग अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो एक इसमें मीन का जो फॉर्मूला है आप लोग नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, मीन, मीन को कोई भी टीचर एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यही ध्यान रखना आपको। तो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। तो ऊपर क्या लिखा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ। एक एग्जांपल से हम आपको समझा सकते हैं, आपसे कहा गया 1, 2, 3, 4 का मीन निकाल दीजिए, क्या निकालिए, इसका मीन निकालना। अब ध्यान से समझ रहिएगा, 1, 2, 3, 4 का आपको क्या करना है, मीन निकालना है। तो आपको हमने जो फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूले में यह आपसे कहा है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फॉर्मूले में क्या करना है आप लोगों को, 1 + 2 + 3 + 4 हो जाएगा, और अपॉन में जितनी डिजिट है 1, 2, 3, 4, तो 4 अपॉन में जाएगा, तो 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 over 10, तो 10 अपॉन कितना आ गया, 4 आ गया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2.42 हो जाएगा, 2 और 2.5 समथिंग के आसपास क्या हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही होगी सभी के। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो हम डायरेक्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, एक्सरसाइज 15A। तो जो भी बच्चे हैं नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आप हमारा कोर्स लगभग, अगर हम लोग बात करें तो वीडियो लगभग चैप्टर नंबर 14 तक ऑलरेडी सभी अपलोड हो चुकी है। हम लोग अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 15 की बात करने वाले हैं, और क्वेश्चन में फॉर्मूला आपका सेम लिखा हुआ है, तो इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन नोट करेंगे और क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आइए हम लोग ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, फाइंड द मीन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ अ नंबर। एक हमको सेट गिवन है, इसका मीन हम सबको निकालना है। तो फर्स्ट का ए पार्ट आ जाइए, ध्यान रख लीजिएगा। तो 15 चैप्टर है, लास्ट में आ चुका है हमारा सिलेबस। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का आपको क्या निकालना, मीन निकालना है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स होते क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ही तो होते हैं। अब ध्यान देना आप लोगों को, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और अपॉन में डिजिट कितनी है, सर डिजिट भी तो 5 ही है। इन सबका एड हर एक स्टूडेंट कर सकता है, इन सबका एड सबको करना आता है। तो 5, 4, 9, 5, 4 कितना हो गया आपका, 9, 9, 3, 12, 12, 3 कितना आ गया, 15, 15 upon 5, तो 5, 3 = 15, तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, 3 सर आंसर आ गया, आंसर कितना हो गया 3। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन। अब यहीं पर आइए बी पार्ट देख लेते हैं, बी क्या कह रहा है स्टूडेंट, बी कह रहा है फर्स्ट 7 होल नंबर,
फाइंड द फर्स्ट सेवन होल नंबर का आपको क्या निकालना, मीन फर्स्ट सेवन होल नंबर, होल नंबर। तो फर्स्ट सेवन होल नंबर होते क्या है सबसे पहले, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जो भी नंबर हम जीरो से काउंट करते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर। अब कितने लेने, सेवन, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, होल सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवन, ओके। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव और प्लस में सिक्स। अब हमें टोटल हमारे कितने नंबर हो गए स्टूडेंट, हमारे नंबर हो गए टोटल सेवन हो गए हैं। तो अब इनको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, कितना होता है 21 अपॉन में 6। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड भी करना है, सॉरी सेवन डिजिट है ना, ये तो सेवन है ना नंबर, सेवन, तो सेवन से डिवाइड, तो सेवन थ्री जा कितना होता है 20 है, तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट आपका, 3 आंसर आ गया। देखिए बी पार्ट भी आपका इजी से यहां कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी पार्ट पर। देखिए लगभग लगभग हमारी बुक लास्ट स्टेज पर आ चुकी है, क्योंकि हमारे लगभग चैप्टर्स भी अब कंप्लीट होने वाले हैं, और इसके बाद में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सरसाइज 15B की बात करेंगे। क्वेश्चन स्टूडेंट्स ज्यादा है इसलिए हम इसको दो पार्ट में अपनी वीडियोस को कंप्लीट करेंगे। जैसे आप लोगों के भी कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं कि सर वीडियो को शॉर्ट में रखिए, ज्यादा लेंथी ना हो, हम लोगों को प्रॉब्लम होती, उस सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हमने इसको टू पार्ट में डिवाइड किया स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1-7 की बात करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम जो बात करेंगे वो बात है क्वेश्चन नंबर 8 से। तो सी पार्ट पर आगे देखिए क्या करें, फर्स्ट फोर प्राइम नंबर, फर्स्ट फोर प्राइम नंबर आपको इनका मीन निकालना है, ओके। इनका क्या निकालना, मीन, फर्स्ट फोर प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, टू हो गए स्टूडेंट सर, थ्री हो जाएगा सर, फाइव हो जाएगा और सर सेवन हो जाएगा, फर्स्ट फोर प्राइम नंबर ओनली। तो मीन निकालना स्टूडेंट, मीन का फॉर्मूला सबको पता, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स टू प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, टोटल नंबर कितने स्टूडेंट, फोर से सर डिवाइड कर दीजिए, थ्री और टू कितना हो गया फाइव, फाइव फाइव टेन, टेन और सेवन कितना हो गया 17/4। तो अब डिवाइड आप लोग इसको करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, तो आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका आंसर कितना आएगा, 24.25, ओके। आप लोग करके देख सकते हैं एक बार, आंसर भी चेक बिल्कुल हो जा रहा है आपका भी, ओके। तो बिल्कुल यही सभी का आंसर आना चाहिए, सी पार्ट भी आपका यही कंप्लीट होता है। एक बार डिवाइड दोबारा ही चेक कर लेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा स्टूडेंट, और वन कैरी बचा, पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ाई, 4 2 8 हो गया, फिर पॉइंट लगी हुई है, जीरो बढ़ाई, 4 5 20, ओके। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा सभी का। आगे हम क्वेश्चन नंबर इसी के डी पार्ट पर, और डी में हमसे क्या कह रहा है उसको हम लोग अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है डी में। चलिए तो डी में क्या कह रहा है आपसे, आप भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ₹7 + 19 + 31 = 43। क्या क्या लिखा है स्टूडेंट, ₹7 है, ₹19 है, ₹31 है, ₹43 है और ₹70 है स्टूडेंट। इसका आपको मीन निकालना, क्या निकालना है स्टूडेंट, मीन निकालना है। तो क्या करेंगे सर, मीन इक्वल टू होता है सर, क्या होता है स्टूडेंट, ₹7 + 19 + 31, अच्छा सर रुपए हटा दीजिएगा ना, 7 19 31 43 r 70 अपॉन में 1 2 3 4 5, सीख लीजिए मीन, 1 2 3 4 5 हो गई डिजिट, एक बार डिजिट चेक कर लेंगे, 7 + 19 + 31 + 43 + 70, ऐड करके बताइए मुझे कितना आ रहा है, यस 170, वेरी गुड, 170 अपॉन 5 कर दीजिएगा, तो 5 3 = 15 और 5 4 = 20, तो आंसर इज 34 इज द राइट आंसर। एंड नाउ वी विल गोइंग टू क्वेश्चन नंबर टू, हम क्वेश्चन नंबर टू पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर टू हमें क्या गिवन है वो देखते हैं। फॉर्मूला सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूले पर ही बेस्ड आपके क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से मेहनत करिए, हमारी बुक कंप्लीट होने वाली है, और दिसंबर मंथ अपने लास्ट स्टेज पे चलता हुआ आज लगभग मुझे लगता है 18 डेट हो चुकी है, और अब हम लोग जो है इसके बाद में अपनी स्टार्ट करेंगे,
इसको नोट कर लीजिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर टू पर हम देख लेंगे बार क्या कह रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है सीमा ऑब्टेन द फॉलोइंग स्कोर। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, सीमा ऑब्टेन द फॉलोइंग स्कोर आउट ऑफ 100 में से स्कोर मिलता है और अ सेट ऑफ स्पेलिंग टेस्ट। तो क्या क्या स्कोर मिला स्टूडेंट, 80 है, 85 है, 90 है, 71 है, 60 है एंड लास्ट इज 100। तो फॉर्मूला तो सबको पता ही है कि सर मीन निकालना है। अब आपने इसको नोट कर लिया होगा, चलिए इसको हम यहां रफ कर देते हैं। चलिए तो मीन का फॉर्मूला आपको सबको मालूम है, मीन हर स्कोर। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, अभी की एक्स बार से रिपर देना, आप तो कंफ्यूज मत होना। मीन निकालना है, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 71 प्लस 60 एंड लास्ट इज 100। अपॉन टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अपॉन में कितना जाएगा स्टूडेंट, 6। आपने ऐड कर लिया होगा टोटल, बताइए आपका कितना आ रहा है, 486। यस, दैट्स राइट, 486। और डिवाइड किससे करेंगे, 6 से। तो सबको पता सर 6 8 जा 48 और 6 1 जा 6, तो आंसर इज 81। 81 इज द करेक्ट आंसर। यू चेक योर आंसर शीट, ओके। क्वेश्चन नंबर टू विल नाउ कंप्लीट एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट करते, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है आपके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ रहे हम लोग अपने थर्ड पर। थर्ड क्या है वो देखते हैं, आइए देखते हैं। थर्ड पहले बार रीड कर लेते हैं, सलीम लास्ट 6 बैटिंग स्कोर। सलीम के लास्ट 6 बैटिंग स्कोर गिवन है, 138 फर्स्ट में है, 144 सेकंड में है, 155 आपके थर्ड में है, 142 आपके फोर्थ में हो जाएंगे, 167 फिफ्थ में हो जाएंगे और 172 आपके सिक्स में हो जाएंगे। व्हाट वाज द मीन स्कोर, स्कोर का मीन बताना है। चलिए मीन बताते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलिए देखिए क्या लिखना है आपको यहां पर, 138 144 155 142 167 172। अब इनका आपको टोटल करना है स्टूडेंट, टोटल तो कर लिया होगा सर, कितना आ रहा आपका टोटल बोलिए, 918 और ये अपॉन में तो 6 रहनी है, तो 918 अपॉन में 6 से डिवाइड करेंगे, देखिए 6 1 जा 6 3 हो जाएंगे, 31 हो गए, ठीक है, और 6 5 जा 30 और यहां 18 हो गए, और 6 3 जा 18 सर 153 आंसर होना चाहिए। एक बार आंसर शीट जरूर चेक करेंगे, यस बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल 153 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर पर आ चुके हम, देखें आराम से नोट करते रहेंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन स्टूडेंट्स हैं। और जो भी बच्चे हमारे नए हैं, लास्ट हमारी लास्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ चुके हैं, और लगभग 15 के बाद हम लोग अपना 16 चैप्टर भी करेंगे और वही हमारा क्या रहेगा, यस चांस एंड प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, फिर सिमिलर सिमेट्री का चैप्टर हम लोग करेंगे। चलिए तो हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर ये फोर देखिए, अब फोर में क्या कह रहा है उसको आइए आप सभी को देखना ध्यान से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने फोर पर, देखिए क्या कह रहा है फोर में, कह रहा है मधु वर्ग मंडे वर्ग टू होल 1/2 आवर्स, मतलब क्या होगा 5/2 आवर्स, बात समझते रहिएगा। ट्यूजडे ट्यूजडे का देखेंगे जरा 3 होल 1/4 आवर, तो 4 3 12 13/4 आवर्स एंड लास्ट इज वेडनेसडे वर्क 2 होल 3/4 मीन्स 4 2 8 3 11/4 ओके। एंड आपको मीन बताना है, चलिए तो मीन हम कैसे करेंगे उसको थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया एंड सिंपल क्वेश्चन है इसमें और इंपॉर्टेंट भी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इस तरीके का फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं,
पहले देखिए फर्स्ट कितना है 5/2, सेकंड कितना स्टूडेंट 13/4 एंड लास्ट यानी वेडनेसडे कितना 11/4 और आपके टोटल कितना जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया आपका 3 हो गया। एलसीएम ले लीजिएगा, देखिए एलसीएम लिया हमने तो 5 2 सा कितना हो जाएगा यहां पर 10 13 11 और यहां एलसीएम तो 4 है ही आपका और अपॉन में कितना होगा 3, 4 3 जाएगा नीचे आ जाएगा। तो अब इनको ऐड करेंगे हम लोग, तो ऐड करने पर हमारा कितना आएगा वो देखना आप लोगों को, ऐड करने पर कितना आ जाएगा आपका, ऐड करिए देखिए तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 1 2 2 1 कितना होगा 3 34 अपॉन 4 3 4 3 12। अब इसको डिवाइड करेंगे देखिए तो डिवाइड करेंगे 17 टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, ठीक है इसको कन्वर्ट करना है तो क्या कन्वर्ट करेंगे देखिए 6 2 12 और 6 2 12 12 और 5 17 तो कितना आंसर आ गया 2 5/6। यस बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है आपका। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 अब कंप्लीट होता है। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें उसको हमें ध्यान से देखना, एक बार सभी रीड कर लेंगे, एक सभी स्टूडेंट यहाँ पर टेबल देख लेंगे और क्वेश्चन में कहा है आयुश्री सेट फॉर 6 टेस्ट, आयुश्री ने क्या करा है 6 टेस्ट एंड अनन्या ने सेट फॉर 7 टेस्ट, देयर परसेंटेज स्कोर वरिंग की परसेंटेज दोनों की अलग अलग दी हुई ना, हु हैज द हाईएस्ट मीन स्कोर, किसका मीन हाईएस्ट है, किसका स्कोर जो है ना वो मीन का हायर है आपको ये बताना है। तो अब यहां से हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि ये तो फॉर्मुला है ही आपका, तो आपको इसको तो यूज करना ही करना है। अपना क्वेश्चन हमने रफ किया यहां से, आपकी टेबल बनानी है तो रफ तो करना होगा। तो कैसी लग रही वीडियो, एक बार लाइक जरूर करेंगे सभी, साथ में कमेंट्स भी कर देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए आगे के बेस के लिए, क्योंकि आपका ये बेस है यहां पर, ये हमें टेबल दी हुई है 5 क्वेश्चन में, हम टेबल बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आयुश्री है और जस्ट नीचे इसके अनन्या है, चलिए देखिए पहले 68 आए हैं इसके फर्स्ट टेस्ट में, इसके 52 आ गए इसमें, इनके 75 आ गए हैं, इसके 87 आए हैं, इसके 70 आए हैं, इसके 64 आ गए स्टूडेंट्स, 70 64 45 आ गए इसके, इसके 53 फिर 45 53 57 74 77 आए हैं, फिर इसके इसके 81 एंड लास्ट इसमें दिया ही नहीं है स्टूडेंट, यहां कुछ है ही नहीं टेस्ट इसे क्योंकि दिया ही नहीं था, 86 आए हैं। अब आपको इनको मीन का स्कोर बताना है तो आयुश्री के और अनन्या में दोनों में किसका हाईएस्ट है, सबसे पहले हम लोग मीन की बात कर लेंगे, मीन स्कोर, मीन स्कोर ऑफ आयुश्री की बात करें, सबसे पहले हम आयुश्री की बात करें, कौन कौन से टेस्ट सही है फॉर्मूला आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या क्या है 68 75 70 45 57 77 कितने टेस्ट हो गए इसके, अब यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टूडेंट ऐड कर लीजिएगा, ऐड जब आप करेंगे तो कितना आएगा वो आपको देखना है, ऐड कर दीजिएगा, ऐड कितना आ गया ऐड करके 392 ओके 392 डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 से डिवाइड करेंगे, करिए डिवाइड 6 से 65.33 आयुश्री का तो यह है स्टूडेंट। अब अनन्या का आपको निकालना है तो अनन्या का हम क्या करते हैं यहां लिख देते हैं, ठीक है मीन स्कोर ऑफ अनन्या, अनन्या का भी निकालना है 52 87 64 53 74 81 86 अपॉन में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ गया स्टूडेंट 7 आ गया, एक बार ऐड करेंगे जरूर इनको हम लोग, ऐड करके इतना चेक कर लेते हैं कि कितना आएगा, करिए ऐड करके बताइए कितना आ रहा है आपको बताइए, ऐड करिए ऐड 52 87 64 53
497 हमारे इसमें डिवाइड आया सम, डिवाइड करें हम 7 से कितना आया 71 आया। तो 71 किसका आया? आनन्या का यार। आयश्री का कितना आया है? 65.33। तो हाईएस्ट मीन स्कोर किसका आया है? तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहां लिख देना लास्ट में कि हेंस हेंस अनन्या गेट हायर मीन स्कोर। तो आपका ये क्वेश्चन भी यहां कंप्लीट होता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, आप लोगों ने ऐसा देखा नहीं होगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन को समझना सभी को। ओके, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। आराम से नोट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, और 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में भी 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में 7 क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। जब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फाइंड द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फाइंड द फर्स्ट 10 इवन नंबर, फाइंड द 10 प्राइम नंबर, फाइंड द 10 ओड नंबर, फाइंड द 10 होल नंबर, फाइंड द 10 नेचुरल नंबर, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो चलिए हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर अब 6 पर, और धीरे धीरे हम इस पार्ट के लास्ट स्टेज पर आते हुए, क्योंकि सिर्फ हमें यहां पर 7 क्वेश्चन ही करने हैं, और सभी ने नोट कर लिया होगा, आई होप। इसको भी यहां से रफ कर देते हैं। चलिए तो फॉर्मूला तो हमारा यही रहने वाला है, फॉर्मूला तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए इस फॉर्मूले का तो सभी को एकदम रट लेना है एकदम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। फाइंड द फर्स्ट 10 ओड नंबर, तो फर्स्ट 10 ओड नंबर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर। फर्स्ट 10 ओड नंबर क्या क्या होती है ध्यान से देखना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो हो गए। दोबारा काम करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अब हमको क्या निकालना? मीन। तो मीन का फॉर्मूला तो यही है, मीन का फॉर्मूला जरूर लिख लेना, आप हमारी तरह करो। तो मीन तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 15 17 और 19। कुछ रह तो नहीं गया, देख लेगा। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। बिल्कुल ठीक है। तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे? 100 करें तो यहां से अगर हम लोग टोटल करते हैं तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 100। और टोटल आपके नंबर्स कितने हो जाएंगे? 10। तो 100 अपॉन कितना हो गया? 10। तो 0 से 0 आपका कैंसिल होने के बाद जो मीन निकल के आएगा वो कितना आ गया आपका? 10 बैठा यहां से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 7, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, 10th और 12th के एग्जाम में, 10th क्लास में अगर हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से हमारे टेबल वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है 7। हमको जो डिवीजन मीन का फॉर्मूला आपको लगाना है, और क्वेश्चन क्या है? 16, 14, x, 23, 20, 18, यानी इसका जो मीन है कितना गिवन है आपको? 18 गिवन है, और x की वैल्यू पूछी गई है। फाइंड x। तो आप देखिए फॉर्मूला आपको ऊपर वाला हो गया, तो आप ऊपर मीन लिखा, तो मीन कितना आपको गिवन है? 18, और टोटल सम 16, 14, x, 23, 20 अपॉन नंबर काउंट करेंगे, देखिए ध्यान से 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे, 2, 2, 4 एंड 1, 5। सबको पता 18, 5 का कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 90 हो जाएगा, और इनको आइए ऐड कर लेते हैं, 6 और 4, 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13, कैरी 1, 1 एंड 1, 2, 2 1, 3, 3 और 2, 5, 5 और 2, 7, 73, और प्लस में कितना एक्स। अब क्या करना आपको? 73 को हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 90 माइनस 73, तो 10 में से 3 जाएगा कितना जाएगा? 7, और 8 में से 7 जाएगा तो कितना जाएगा? 1,
तो 17 आपका यहां से आंसर, एक बार आंसर से जरूर चेक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 7, 15A क्वेश्चन नंबर है 7, यस 17 इज द राइट आंसर. सो नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 15A विल नाउ कंप्लीट, एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 to 16. तो ये हमने स्टूडेंट्स बात करी क्वेश्चन नंबर 7 की, लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का, पार्ट 1. तो पार्ट 1 में हमने बात करी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 to 7 की बात करी, पार्ट 2 में हम जो बात करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 to 15. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग मीन हमने क्वेश्चन करे, इसके बाद हम लोग मीडियन भी करेंगे और मोड भी करेंगे. देखेंगे सिलेबस में मीडियन है या नहीं है, ठीक है, वो अभी हम लोग जब देखेंगे बुक में एक बार चेक ही कर लेते हैं मीडियन है कि नहीं है, फिर उसके बाद हम लोग मीडियन करेंगे और मीडियन के बाद हम लोग फिर वहां पर मोड भी करेंगे. यस बिल्कुल, मीडियन भी है आपके क्वेश्चन में एक्सरसाइज में, और 15B में ये मीडियन है आपका. तो मीन, मीडियन, मोड, ये तीन तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट होते हैं. क्या क्या होते हैं? मीन फर्स्ट नंबर पे होता है, मीडियन सेकंड नंबर पे होता है, और थर्ड नंबर पे होता है कौन, मोड. तो ये तीन तरह के क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. तो वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे. 15 चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट की तरफ आ चुके हम लोग अपने चैप्टर्स की, 14 तक ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ऑल पार्ट्स, ऑल वीडियोस अपलोड. स्टूडेंट्स आप लोग क्लास 7 की कंपोजिट मैथमेटिक्स रिवाइज एडिशन में जा सकते हैं और आपको टोटल वीडियोस क्लास वाइज आपको मिल जाएंगे, जो भी चैप्टर वाइज सब मिल जाएंगे. कहीं कहीं वीडियो आगे पीछे हो जाते हैं, तो बहुत से कमेंट्स आते हैं वीडियो नहीं मिली, तो प्लीज आगे पीछे कभी कभी वीडियोस हो जाती है, तो जरूर आप लोग जरूर चेक करें इस चीज को. तो वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे. और तिवारी क्लास के लिए इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल, यहाँ पर हम लोग क्लास 9 to 12 की इंग्लिश एनसीईआरटी की बात करते हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे. इंस्टाग्राम पेज हमारा तिवारी मैथ्स क्लासेस, उसको फॉलो कर लेंगे, और शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस के लिए उसको आप लोगों को वहां पर शॉर्ट ट्रिक्स मिलती रहेंगे. तिवारी मैथ्स क्लासेस का टेलीग्राम पेज हमारा तिवारी मैथ्स क्लासेस, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपकी क्विज वगैरह और वहां पर आपको सभी मिलती जाती है. तो चलिए हम लोगों के लिए आज इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 15A पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 15. तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे, ऐसे ही तिवारी क्लासेस की वीडियोज आप लोग देखते रहेंगे. और संडे लाइव क्लास शाम को 5 बजे ना भूलें, अपने मन के डाउट्स, मन की बात पूछो तो जाने क्रम में. मैथ्स और साइंस रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप पूछ सकते हैं, और एक क्लास होती है वेडनेसडे में शाम को 6 बजे, उसमें भी आप लोग लाइव आ सकते हैं. आपने कमेंट्स, मन की बात, एक हमने जो आप लोगों के कमेंट्स पर, आप लोगों के सुझाव पर एक और हमने लाइव क्लास शुरू करी, तो आप लोग वहां भी हमारे साथ लाइव आ सकते हैं. तो चलिए गुड बाय, टेक अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल. अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे, और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे. तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके जिनके भी एग्जाम चल रहे हैं, यूनिफॉर्म लगभग सभी स्कूल्स में चल रहे हैं, जिनके नहीं चलने चलने वाले हैं, कुछ के हो चुके हैं, तो सभी को बेस्ट विशेष फॉर तिवारी क्लासेस की तरफ से. थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय टू ऑल.